देखिए अब तक हम पढ़े प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ये एक सर्कल होता है, कोई भी एंगल एक एक बार ही आ रहा है, 0, 30, 40, 60, 90, 180, 200, 210, 270, 300, 320, 360 ये सब एंगल एक बार आया, लेकिन जो 360 डिग्री था वो रिपीट हुआ, वो पोजिशन रिपीट हुई, हर पोजिशन एक एक बार थी, लेकिन जैसे 0 डिग्री से 0 डिग्री यहां से शुरू हुआ, जैसे वो ऐसा करने करते फिर से यहां पे आया तो एंगल बन गया 360 डिग्री। तो इसलिए 360 भी काउंटिंग में नहीं लेते, 0 से 360 तक इनको बोलते प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन नहीं क्या, देखो द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है थीटा की वैल्यू, ये कैसे निकाल करेंगे, विच इज जनरलाइज बाय यूजिंग इज पीरियोडिसिटी। हम ऐसा जनरल इक्वेशन बनाएंगे बाय यूजिंग इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ने कितने पीरियड के बाद रिपीट रिपीट उसी पोजीशन पर आता है, उसकी पीरियोडिसिटी देखते हुए जो इक्वेशन बनेगा उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जो आंसर है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू 100, आपको क्या पता है साइन 30 कितना होता है, 100। वी नो दैट साइन 30 यानी 30 यानी बारह सीखा साइन 30 कितना होता है 100। अब आप बताओ जब आप इस 30 डिग्री से आगे जाते हो 90 और आगे जाते हो और जब आप यहां पे पहुंच करिए 150 डिग्री तब भी आंसर कितना है 100। अब बताओ साइन 150 डिग्री भी कितना होता है 150। थोड़ा अच्छी तरह से देखो पर एक बार 150 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 150 यानी होता है 5 × 30 150 यार बराबर है ना, 5 × 30 30 यानी क्या होता है 5/6, तो साइन क्या हुआ ये 5/6 बराबर, साइन 30 डिग्री कितना होता है, सॉरी साइन 150 डिग्री कितना होता है 1/2। तो बताओ इस पोजीशन पर 1/2 आंसर है और इस पोजीशन पर 1/2, बाकी जगह 1/2 नहीं, जैसे कि साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2, साइन 90 डिग्री 1, साइन 120 माइनस रूट 3/2, साइन 150 साइन 150 डिग्री कितना होता है 1/2। फिर साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 सब याद होना चाहिए आपको, पढ़ा है ना, साइन 180 कितना होता है 0। तो आप बताओ 1/2 आंसर इधर है, फिर आप 270 साइन 270 माइनस 100, ठीक है, ऐसा करते करते आप पूरा सर्कल घूम गए, आपको 1/2 दो जगह दिखा, एक 30 डिग्री पे 1/2 आता और 150 डिग्री पे 1/2 आता, ये हो गया पहली बार। लेकिन जैसे फिर आप घूमना और शुरू किए 1/2 दिखा, दूसरा 1/2 अभी कहीं भी 1/2 दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ये 360 डिग्री हो गया, 360 के आगे मैं बढ़ गया और 30 डिग्री मुझे फिर से कौन दिखा 1/2 दिखा ना, लेकिन अब एंगल कितने डिग्री का हो गया 360 + 30 यानी कितना 390 डिग्री, तो साइन 390 डिग्री पे भी आंसर कितना है 1/2, ये 390 डिग्री को कैसे लिखते, देखो साइन 390 यानी होता है 33 39, 30 यानी क्या होता है 30 यानी होता है 5/6, तो क्या ये साइन 13 5/6। चलो उसके आगे बढ़ो, अगर आप और आगे आ रहे ऐसा और आगे और भी मिलेंगे, जैसे कि अगर आप यहां से इस पोजीशन पर आ गए तो देखो करो पता करो 90 180 270 360, ये 1/2 मिल गया, फिर कितना गया 450 डिग्री ना 450 डिग्री और आगे आए थे हो गया 510 डिग्री, अरे 450 डिग्री यहां तक हो गए और 60 डिग्री आगे जाओ ना, तो 450 डिग्री ठीक है ना, नहीं 450 और 60 कितना 510 डिग्री, तो बताओ ये है 510 डिग्री, तो बताओ साइन 510 डिग्री का आंसर भी कितना था 1/2, क्यों, जब जब ये पोजीशन मिलेगी तब तक 1/2 रहेगा ना आंसर, जैसे 150 डिग्री पे 1/2 था, जब घूम के वापस आए तो 510 डिग्री हो गए ना, ये पोजीशन पर रिपीट जब आया
पहला कितना हो गया 360 का, 360 के बाद और 90 है 450 डिग्री और 60 आएंगे आई और 10 डिग्री। तो ये पोजीशन फिर जब जब ये पोजीशन आएंगे तब तक आंसर 1/2 ही रहेगा। तो बताओ ये 17 * 51 होता है साइन 30 डिग्री यानी क्या होता है 5/6। तो 5/10 यानी 17 / 5/6। अब बताओ चलो अभी जो मैं निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं मैं उल्टा घूमूंगा, मैं ऐसे काउंटिंग कर रहा हूँ, ऐसे काउंटिंग करते समय एंगल पॉजिटिव आते हैं, अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूंगा तो निगेटिव। हाँ बताओ 0 -10 -20 -30 -40 करते करते -90 है, ये पोजिशन आने का इंतजार करो -90 के बाद फिर -100 -120 -180 -90 -180 और 180 के आगे 30 डिग्री आगे बढ़ो, ये 60 है ये 30 है, -180 के बाद आगे गए तो -210 डिग्री, कितना डिग्री है मैं एरो ऐसे बता रहा हूँ -210 डिग्री। जब -210 डिग्री गए -90 -180 और -210 डिग्री पोजीशन मिलते हो आंसर कितना आएगा 1/2 ही है। ये -210 डिग्री यानी क्या होता है माइनस, ठीक है 210 यानी होता है 30 × कितना 7 70 की क्वेश्चन, तो ये 7 और 30 यानी क्या होता है 5/6 तो 7 तो आ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो -200 डिग्री -90 -180 और आगे बढ़ो -270 डिग्री -270 के बाद और 60 डिग्री आगे बढ़ो -270 के बाद 60 आगे बढ़ोगे तो कितना होगा -330 डिग्री होगा, ये इतना 30 छोड़ दो ना -330 डिग्री, तो -330 डिग्री पे आंसर कितना है। जब आप यहाँ पे पहुंचे -330 डिग्री पे तो फिर से 1/2, जब जब उस पोजीशन पे आओगे आंसर 1/2 आएगा। जैसे आप यहाँ से निकले ना -90 -180 -270 और ये हो गया -330 डिग्री, फिर ये थोड़ी फिगर बड़ी निकालना आपको -330 डिग्री यानी कितना होता है 1/2 क्योंकि पोजीशन मिल गई ना। बताओ 330